always. अरे यार तुम लोग आए नहीं यार। चलो चलो क्योंकि दिख नहीं रहा था। एटिक क्या है ये? एटिक बोलते हैं। एटिक उधर शोरूम है। आ जाओ जैसे बंद रहता है। नहीं अरे मत कर मत कर यार मत कर। प्रैंक प्रैंक नहीं करना। कर दो पॉज। हाँ आज है ट्रिप का डे 3 और हम जा रहे हैं गुशैनी एंड तीर्थन वैली। उससे पहले हम चैनी कोटी भी होकर आएंगे। तो सब लोग तैयार है, बस एक बचा है। सब लोग तैयार है, बस एक बचा है ये। तो सब लोग तैयार हैं और एक बचा है ये। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि आज हम कहाँ कहाँ चलते हैं। गाइस सब रेडी है? कौन बचा है? एक बचा है ना, मुझे ना एक बचा है। गाइस डे 2 में हम आकर रुके थे सोजा में, जरूरी 4-5 किलोमीटर दूर था। और जिस जगह हम रुके थे उनका नाम है किरण होम स्टे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। रूम का टूर तो नहीं दिया क्योंकि रात को जनरली क्या होता है, गांव के इलाकों में लाइट वाइट चली जाती है तो लाइट नहीं थी अभी। तो ऊपर हमारा स्टे हुआ था। सो ट्रैवलर हो गया रेडी हमारा एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर चैनी कोटी। उसके बाद हमारा प्लान है गुशैनी में रुकने का। सो गुशैनी से हम रिवर साइड कैंपिंग कर सकते हैं वहाँ पर। अभी ऑप्शंस क्या होगा कैसे होगा वो आगे जाके पता चलेगा, अभी हमने कुछ बुक नहीं करा रखा है। सो ट्रैवलर रेडी हो चुका है। ये सोजा में है किरण होम स्टे, आप लोग नंबर देख सकते हो। बताना मंदिर के सामने है। ले तू बता उसको बता दो। सो गाइज अभी हम श्री श्रृंगार ऋषि महाराज के मंदिर आए हैं। तो यहाँ की मान्यता क्या है बताना जरा। ये श्रृंगार ऋषि महाराज का मंदिर है और यहाँ की मान्यता है कि ये वही ऋषि जी हैं जिन्होंने कौशल्या माता को वो फल दिया था जिसके आशीर्वाद स्वरूप राम भगवान जी इस सृष्टि में आए थे। चढ़ाई है बोल रही हूँ। टोपू मैन मंदिर है ये नहीं है मंदिर है। ये मेरी दोस्त मैंगफिन ये है। साफ पता चला तू पीछे गई पासिंग शॉट। तूने स्टार्ट कर दिया। तू पासिंग शॉट सिर्फ इनका ले रहा था। कुंदन का नहीं लिया। पागल ने सारे मेरा बढ़िया बड़े तू श्रृंगार ऋषि मंदिर यहीं से जाता कितना दूर है? थोड़ा ही है। और चैनी कोटी भी जाने का सेम रास्ता है? अच्छा वहाँ पे मार्केट होगा कुछ खाने वाने का। थैंक यू। तो अभी पता करा है यहाँ के लोकल हेड से कि मंदिर के बगल से ही चैनी कोटी का रास्ता जाता है और वहाँ फूड वगैरह अवेलेबल होगा। पहले हम सोच रहे थे कि फूड कैरी करके चले लेकिन नहीं पहले हमने सोचा कि फूड कैरी करके चले लेकिन बाद में जब हमें पता चला कि ऊपर फूड मिलता है तो हमने नहीं किया। अभी बारिश हो रही है, थोड़ा ही दूर है गाइस।
तो पहले हम सीढ़ी वाले रास्ते से आ रहे थे, वो शॉर्टकट पड़ेगा, अभी बताया रास्ते में किसी ने। यहाँ से चैनी कोटी 3 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन अगर हम पहले श्रृंगार ऋषि जाते हैं तो वो जो नॉर्मल रास्ता है उससे काफ़ी लंबा टाइम लगेगा और दूर भी पड़ेगा उसका डिस्टेंस। तो हम आगे जाकर अब सीढ़ी वाले रास्ते से ही दोबारा अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ये प्लेन रास्ता है अभी और हमको जाना है सीढ़ी वाले रास्ते से। वही तो यार, राम यार कोई नहीं सुनता तेरी विचार। आ रास्ता बदल गया, 3 किलोमीटर पड़ेगा। तुम बीनू बीनू बोल, तुम दोनों एक गैंग में ना? सीढ़ी वाले, सीढ़ी गैंग। यस हाँ। सीढ़ी गैंग इधर आ जाओ। कौन सी गैंग? सीढ़ी गैंग जाएगा। सीढ़ी गैंग मेरे मस्ती में चली थी। ओहो, प्लेन गैंग। सीढ़ी गैंग इधर आ जाओ। सीढ़ी गैंग, प्लेन गैंग इधर आ जाओ। प्लेन में कुछ नहीं चला रहा। कुछ लोग हैं जो सीढ़ी के सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो प्लेन का सपोर्ट कर रहे हैं और मैं बीजेपी का सपोर्ट कर रहा हूँ। तो फाइनली वी रीच्ड एट श्रृंगार ऋषि महाराज मंदिर। महाराज मंदिर में हम पहुंच चुके हैं। सो मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं बाहर इधर इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा हूँ। ऐसा है, ये मंदिर अंदर है और हम इसके चारों साइड घूम रहे हैं। यहाँ पर घर भी है शायद, यहाँ के जो पंडित होंगे ये उनका घर है। ये पूरा वुडन का बना हुआ है और पुराने लगता है कि बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने का है। आप लोग ऊपर भी देख सकते हो, ये देखो लकड़ियाँ, पुरानी लकड़ियाँ। मंदिर तो हजारों साल पुराना है, हजारों साल बस मॉडिफाई और स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे ही घर है यहाँ पे। यहाँ पे टोटल कितने घर है? टोटल एक ही घर है। अच्छा, और आप? अच्छा, और आप अकेले यहाँ पे पूरा मंदिर आप देखते हो? हमारी फैमिली है। अच्छा जी, मतलब देख रेख भी और पंडित जी भी आप ही हो यहाँ पे। और ये चैनी कोठी से कितना दूर है? ये तो चैनी कोठी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। हाँ जी, हाँ जी, ये राजा दशरथ सिंह को जो दिया गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, विशेष ऋषि के कहने पे। हाँ जी, भगवान के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था, तो भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। ये वो वाले ऋषि है। बड़ी पालकी तो अभी गई है नीचे, तो यहाँ पे इनके जो अन्य भक्त है। और यहाँ पर लंगर डेली चलता है? ये प्रत्येक संडे को। अच्छा, बादों में जो पिछला महीना था उसमें तो प्रत्येक दिन का पूरा महीना नवरात्रि प्रत्येक दिन, तो अभी ऐसे चलता है संडे। और
इसने डरा दिया मुझे लड़की ने, पता नहीं क्या कर रहा है अंधेरे में यहाँ पे। ओए होए, तो अभी हम लंगर खाने जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर लंगर कैसा होता है हर जगह, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज बनती है लंगर में। तो चलो चलते हैं गाइस, और हम अपने ट्रैवलर अभी ऊपर बुला रहे हैं क्योंकि पंडित जी ने बताया कि यहाँ तक आप ट्रैवलर से इजीली आ सकते थे,